नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल Blocks to Make Think में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सके। शुरुआत करने से पहले आज आपको एक विशेष जानकारी देना चाहूँगी। अगर आप में भी है टैलेंट तो Blocks to Make Think आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप भी एक अच्छे कविताकार हैं, तो आप सभी के लिए Blocks to Make Think एक मंथली कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है। आप अपनी रचना को हमें भेजें और कैश प्राइज एवं शील्ड पाने का मौका पाएं। अधिक जानकारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आमतौर पर लोगों का सोचना है कि इस धरती पर पानी का असीमित भंडार है जो कभी खत्म नहीं हो सकता, परंतु बहुत कम लोगों को पता है कि धरती पर पानी सीमित है, लेकिन इसके बढ़ते हुए प्रदूषण और बंजर हो रही भूमि, वर्षा के असमान वितरण जैसी कई समस्याओं ने देश के कई भागों में पानी की कमी को उत्पन्न कर दिया है। पृथ्वी पर मौजूद पानी का 1% से भी कम भाग पीने योग्य है, बाकी समुद्र का पानी खारा एवं बर्फ के रूप में जमा हुआ है। प्रतिदिन सूरज की गर्मी से करीब 1 खरब टन पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है। विश्व के कुल उपलब्ध जल में मात्र 0.08% पानी ही पीने के लिए उपलब्ध है। ऐसे में मानवीय गतिविधियां इस उपलब्ध पानी को बर्बाद कर रही है। देश के कई राज्यों में पानी का संकट बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण कई राज्यों में तो सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पंजाब में भी जल संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी नगर निगमों, नगर पंचायतों एवं ट्रस्टों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देशों में स्पष्ट किया है कि सभी शहरों में सीधे पाइप लगाकर गाड़ियां और फर्श धोने पर पाबंदी लगा दी गई है। स्थानीय निकाय विभाग की तरफ से जारी किए गए पत्र के अनुसार ऐसा करते हुए पाए जाने पर पहली बार 1,000 रुपये, दूसरी बार 2,000 रुपये तथा तीसरी बार पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा एवं दंड के रूप में 5,000 रुपये वसूल करके ही दोबारा कनेक्शन दिया जाएगा तथा सभी जगहों पर पौधों एवं बगीचों में सिर्फ शाम 5 बजे के बाद ही पानी दिया जाएगा। इसका उल्लंघन करने वाले को उपरोक्त जुर्माना भरना होगा। इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियां धुलने पर हजारों लीटर पानी की बर्बादी होती है और कई जगहों पर तो सूखा पड़ने से व पानी की कमी के चलते लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। कई जगह पर तो लोगों को कई किलोमीटर चलकर पानी की कतार में लगकर 2-2 बर्तन पानी मिलता है। पंजाब सरकार द्वारा लिए गए फैसले को जल संकट को देखते हुए उपयुक्त तो माना जा सकता है। जीवन की प्राथमिक आवश्यकता जल की स्थिति हमारे देश में इतनी भयावह है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देश में जल स्रोत तेजी से घट रहे हैं। जल का संचय न हो पाने की तो चर्चा चारों ओर होती है, लेकिन सरेआम हमारे चारों ओर पानी की बर्बादी हो रही है। लातूर और बुंदेलखंड में वाटर ट्रेन का नज़ारा तो पूरा देश देख चुका है। देश के हर छोटे और बड़े कस्बों में 2 पहिया व 4 पहिया वाहन तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में उनके रखरखाव की भी आवश्यकता होती है, तो लोग घर पर ही वाहनों को धोते हैं, जिससे हजारों लीटर पानी की बर्बादी हो जाती है। एक अनुमान के अनुसार 2 पहिया वाहन की धुलाई में 60 से 90 लीटर पानी बहाया जाता है, जबकि 4 पहिया वाहन हेतु 150 से 250 लीटर पानी बहाया जाता है। कई सर्विस सेंटर तो एक दिन में 5 से 10 हजार वाहन भी धोते हैं। पानी की बर्बादी यही नहीं रुकती, लोग घर का पानी भरने के बाद फर्श धोने लगते हैं तथा बगीचों में भी पानी की अंधाधुन अनदेखी होती है। आपने देखा ही होगा कई जगहों पर बगीचों में पानी देने के नाम पे पाइप जमीन पर छोड़ दिए जाते हैं, जिससे पानी असीमित मात्रा में बहता है। इसलिए पंजाब सरकार का यह कदम सराहनीय है। इसे हर राज्य में लागू किया जाना चाहिए, जिससे सूखे जैसे जल संकट को देखने की स्थिति उत्पन्न ना हो।
आशा करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।